उत्तर प्रदेश में निकली हुई है टीजीटी पीजीटी की भर्ती एडेड स्कूल्स में और उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो मेरे भाई भर देना, उस फॉर्म में गलतियां मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि पिछली बार भी 20,000 से अधिक ऐसे भाई बहन थे जो तीन पिछली बड़ी भर्तियों में केवल फॉर्म में गलती होने के कारण बाहर हो गए। इनमें से 6,000 तो वो है जिनका सिलेक्शन हो चुका था और अब कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। पूरा डिटेल मैंने आपको बता रखा है, अलग से वीडियो बना रखा है कि क्या क्या गलतियां आप कर जाओगे। कोई बात नहीं, वो जो वैकेंसी निकली हुई है एडेड स्कूल्स में वो 4,163 पदों के लिए निकली हुई है। लेकिन अब आपको एक और नई वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं, वो भी एडेड स्कूल्स में और टीजीटी पीजीटी प्रधान अध्यापक और प्रधान आचार्य की भर्ती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहां बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में, न्यू टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2022 इन उत्तर प्रदेश। और ये जो वैकेंसी है भाई, ये भी निकली हुई है एडेड स्कूल्स में ही, तो यहां पदों की संख्या जरूर थोड़ी सी कम है, डिटेल अभी पूरा नहीं आया, लेकिन 1950 कुल पद है जिनका अभ्यर्थना भी मिल चुकी है और जिनके पदों का सत्यापन भी हो चुका है। लेकिन अब अटकी कहां है? एक्चुअली में प्रधान आचार्य भर्ती को लेकर के संशोधन किया गया था। पहले जो प्रधान आचार्य की भर्ती होती थी वो थ्रू इंटरव्यू होती थी, लास्ट टाइम 8 साल बाद इंटरव्यू अब हुआ था, लेकिन वो मामला भी कोर्ट में अटका पड़ा है, इसीलिए सरकार ने झंझट खत्म कर दिया और प्रधान आचार्य की भर्ती को भी थ्रू एग्जाम ही कर दिया है। तो ये चेंज था, ये नई नियमावली में शामिल किया गया, इसके लिए अभी ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती अटकी हुई थी। अब जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उसके तहत शिक्षक भर्ती में इस 1950 के प्लान को भी शामिल किया गया है। तो एडेड स्कूल्स में दो तरीके की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, पहली 4,163 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बालक बालिका वर्ग में अलग अलग है, उसके फॉर्म निकल चुके हैं, भर लो, लेट मत हो जाना, गड़बड़ मत कर देना। 1950 के फॉर्म अभी आपको इसी महीने और देखने को मिलेंगे, तो ये एक न्यू वैकेंसी आपके लिए होगी उत्तर प्रदेश में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। लेकिन ये आपको बता दूं इसकी योग्यता के बारे में, तो इसकी योग्यता भी वही रहने वाली है जो अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसकी एलिजिबिलिटी को जरूर देख लेना। अगर यहां भी वही बताने बैठूंगा तो दो चीजें लगातार सेम हो जाएंगी और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। अब बता रहा हूं आपको कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।